वाह क्या सीन है। ये हमारा दूसरा पार्ट होने जा रहा है और हमने गोपी का पूजा पंडाल आपको दिखा दिया और अब हम लोग आ जाएंगे चार ग्राम। तो अभी हम लोग गोपी को एंड करते हैं और ये नदी इतना भी था आप लोग देखे और आप लोग जम करके सपोर्ट किया चैनल पे। और ये है सनरेखा रिवर और उसके बाद जा करके एक पार्ट इस पार्ट देखिए पूरा एकदम दिखा देना पूरा तरीके से। और इसके बाद झारग्राम जाने के रास्ता में पहला पूजा पंडाल बाहर से जो है लुक जो है पंडाल का कितना अच्छा लग रहा है। वाइट के साथ साथ येलो का कॉम्बिनेशन है। अब देखिए अंदर का सीन ठो और किस तरह से सजाया हुआ है जो ट्रेस होता है छत का जो वाल होता है ऊपर का और बाउंड्री का वाल भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और अब हम प्रतिमा को फोकस किए हुए हैं और प्रतिमा भी जो है एकदम पिंक कलर से है। चलिए अब जो है हम आपको दूसरा पूजा पंडाल दिखाने जा रहे हैं, चलते हैं। ये वाला पूजा पंडाल जो है हमको झारग्राम के जाने के रास्ता में पड़ता है और इस पूजा पंडाल का जो थीम था ये हमारा दलमा हिल, ठीक है। यहाँ पे दलमा हिल का पूरा सिनेरियो बनाया गया है इस पूजा पंडाल में। आप लोग देखिए एकदम ही पूरा का पूरा सीन आपको दलमा का ही एकदम सिनेरियो है और ऊपर से पुल बना दिया गया, ऊपर से पहाड़ है चारों साइड में। और इसमें वो सीन भी दिखाया गया है कि किस तरह से जो एक यहाँ की जो दृश्य है, यहाँ पे ट्रेन आती है, ट्रेन के बीच में हाथी का कॉरिडोर है, हाथी जो है रेल क्रॉस करते उसमें किसी कारण से हाथी दब जाता है, तो वो सीन को भी यहाँ पे दिखाया गया है किस तरह से जो ये पीछे पहाड़ है देखिए दलमा का और हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। और इधर में देखिए इस तरह से गाड़ी है और हाथी है क्योंकि हाथी का यहाँ पर आना जाना बना रहता है इसलिए इस सीन को यहाँ पर दिखाया गया है। पूरा ही एक सीन दिखाया गया है आपको एकदम रियलिस्टिक में। और ऊपर देखिए एकदम सांप है, सांप के ऊपर पहाड़ के ऊपर सांप है और सांप के और पहाड़ के ऊपर भी हाथी है। और इस साइड में देखिए हाथी एक्सीडेंट हो जाता है, हाथी मर जा रहा है, उस चीज़ को यहाँ पे सिनेरियो में दिखाया गया है किस तरह से ट्रेन जो है हाथी से जो कट करके हाथी मर जा रहा है उस चीज़ को यहाँ पर आपको सीन में दिखाया गया है। और थीम जो है यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि और एक एक सीन को आपको यहाँ दिखाया गया ज्यों का आपको पहाड़ का सीन उसके अंदर में जो है माँ दुर्गा बैठी हुई यहाँ पे देखिए कुछ लोग भी हैं तो उस चीज़ को यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। और अंदर में जो गुफा बनाया गया है इस गुफा के अंदर में पहाड़ के नीचे गुफा के अंदर में माँ का जो प्रतिमा है एकदम उसी अवतार में है जिस तरह से गुफा में माँ विराजमान होती है उस तरह का रूप है यहाँ पे। बहुत ही एकदम गुफा के अंदर में किस तरह से पूरा दहाड़ उस तरह का साउंड सब आपको मिलेगा यहाँ पे आवाज़ होता है रहा तो सिर्फ यहाँ पे दिखाया जाता। ये तीसरा पूजा पंडाल झारग्राम जाने के रास्ता में पड़ रहा है और यहाँ पे किस तरह से पानी का थीम है। और आगे की तरफ जैसे देखते हैं अंदर चलिए। पूजा पंडाल थीम एलिफेंट तो थोड़ा अलग थोड़ा यूनिक है तो लेट्स अंदर चलते हैं और देखते हैं। हेलो दोस्तों, अब जो है हम एकदम टाउन में पहुंच चुके हैं झारग्राम के और यहां पे जो हम आपको पांचवा पूजा पंडाल दिखा रहे हैं। लुक तो देखिए पूरे एकदम पूरा पीला कलर से जो है पूरे पंडाल को सजा दिया गया है और रात के समय में जो पूरा पंडाल जो है पूरे खिल उठा है लाइट जब पड़ रही है पीले कलर पे। तो चलिए अंदर की तरफ हम आपको मूर्ति के अंदर का इंटीरियर दिखाते हैं, मतलब मूर्ति के साथ साथ जो है वहाँ जो वाल है उसकी क्या डिज़ाइन की गई है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मूर्ति भी देख करके और माँ दुर्गा का प्रतिमा के साथ साथ जो है और भी देवी देवता है। अब जो हम दूसरा पूजा पंडाल बहुत ही जबरदस्त बना है झारग्राम का, सबसे यूनिक और मस्त है झारग्राम में और ये टाउन में है, हर चीज़ भरा है, हाथ
का सीन है, पीछे अलिया और ऊपर में जंगल है और यूनिक और खास बनाता है इस पंडाल को। और आप झारग्राम आ रहे हैं तो इस पंडाल को जरूर देखना ना भूलें, क्योंकि पंडाल ना देखें तो आप फिर पंडाल को देखना ही नहीं बनता। इस पंडाल को जरूर देखना चाहिए। अब जो है हम सातवा नंबर का पूजा पंडाल हम आपको दिखा रहे हैं झारग्राम। ये भी झारग्राम के मेन टाउन में बना हुआ है और यहाँ का भी सीन जो है दोनों तरफ से जंगल है, बीच में लाल और पीला करके ऐसा पूरा बड़े से बिल्डिंग का सीन को दर्शाया गया है, बनाया गया है और बहुत ही खास। और ये मेरा लास्ट और आखिरी वीडियो है। आप लोग को पसंद आए तो हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।